नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अडानी मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस बीच सोमवार को देखा गया कि अडानी ग्रुप, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप्स की तमाम जो रिपोर्ट सामने आई थी उनको सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन दर्शकों, आपको इस रिपोर्ट को सुनना पड़ेगा जिस रिपोर्ट में आप साफ तौर पर समझ पाएंगे कि यहां पर किन सारी जो हिंडनबर्ग की बात कर लो या फोर्ब्स की बात कर लो क्यों सुनने से इनकार किया। सुनिए इस रिपोर्ट को, जानते हैं कि यहां पर किस तरीके से जो है अडानी पर फोर्ब्स रिपोर्ट लेने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार की फोर्ब्स की अडानी ग्रुप को लेकर पब्लिश रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं से एक जया ठाकुर के वकील एडवोकेट वरुण ठाकुर ने बेंच से रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इसे बाद में पब्लिश किया गया। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, नहीं, हम इसे रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। आपको बता दें कि यहां पर और क्या कुछ होता है, इस पर हम जो है नजर डालेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी का नाम चौंगनवार। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का नाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में चौंगनवार लिया गया। वहीं गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का जिक्र 151 बार किया गया, यानी कि गौतम के नाम से 57 बार ज्यादा, यानी कि गौतम अडानी से ज्यादा यहां पर विनोद अडानी का नाम लिया गया है। जनवरी में पब्लिश इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी विदेश में सेल कंपनियों को मैनेज करते हैं। इनके जरिए भारत में अडानी ग्रुप की लिस्टेड और प्राइवेट कंपनियों में अरबों डॉलर ट्रांसफर किए गए। इसने अडानी ग्रुप को कानूनों से बचने की मदद की। दरअसल भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक यानी कि नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए। अडानी ग्रुप ने अपने चेयरमैन के भाई के साथ इस तरह की किसी भी टाइज से इनकार किया है। कंपनी ने हिंडनबर्ग को 29 जनवरी 2023 को जारी अपने 413 पन्नों के जवाब में लिखा। कंपनी ने हिंडनबर्ग को 29 जनवरी 2023 को जारी अपनी 413 पन्नों के जवाब में लिखा, विनोद किसी भी अडानी लिस्टेड कंपनीज या उसकी सब्सिडियरी में मैनेजरियल पोजीशन पर नहीं है। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने कहा कि उन्होंने संबंधित पक्षों से जुड़े सभी लेन देन को जो है डिस्क्लोज किया है। हालांकि फोर्ब्स ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने वाले विनोद अडानी के कुछ अनरिपोर्टेड, जी हां, यहां पर आपको बता दें कि अनरिपोर्टेड ट्रांजेक्शन की पहचान की है जिसमें ऑफशोर फंड का इस्तेमाल किया गया है। यह ट्रांजैक्शन हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप के अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों को मजबूत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट एनालिसिस फर्म क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के डायरेक्टर टिम बकेली कहते हैं कि मुझे हमेशा लगा कि यह एक पार्टनरशिप है। गौतम फ्रेंडली पब्लिक फेस हैं और विनोद प्राइवेट टैक्स हेवन में मास्टर माइंड रियल पपेट मास्टर हैं। टिम बकेली ने अडानी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन डेवलप करने के उसके प्लान का जो है स्टडी किया और साफ तौर पर यहाँ विनोद अडानी और गौतम अडानी की जो एक महत्वपूर्ण बातचीत है उसको साफ तौर पर बता दिया। तो सुनिए आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर बात कही है इससे आप सहमत हैं? क्या सच में अडानी ग्रुप्स को एक बड़ा झटका फिर से लगेगा? क्योंकि लगातार देखा जाए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी का नाम चौंगनवार, जी हाँ, शामिल किया गया। वहीं देखा जाए यहाँ पर तो सीजेआई ने इन तमाम चीज़ों को सुनने से इनकार तो किया है। अडानी का फोर्ब्स रिपोर्ट लेने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, यानी कि फोर्ब्स की जो रिपोर्ट है उसको लेने से इनकार भी यहां पर कर दिया गया। 151 जो है विनोद अडानी का जिक्र किया गया है, 97 बार गौतम के नाम का जो है यहां पर बार बार लिया गया रिपोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो एक बड़ा खुलासा होकर आया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो क्या लगता है आपको, क्या जेपीसी की जाँच अब होनी चाहिए? आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।